प्यारे बच्चों, आज हम हेलो एल्केन एंड हेलो अरिन्स का अनदर टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसका नाम है एसमेट्रिक कार्बन या स्टीरियो सेंटर। तो एसमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर आपका बेसिकली क्या होता है कि आपका जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि आपका कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है सी, इसके साथ आपके डिफरेंट सब्सिट्यूटेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। और कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं आपके? फोर ग्रुप। कितने जुड़े हुए? फोर। कि कार्बन के साथ आपके जितने भी ग्रुप अटैच हैं, ग्रुप या एटम या ग्रुप ऑफ एटम, ये सब क्या होने चाहिए? डिफरेंट। क्या होने चाहिए आपके? डिफरेंट। जैसे ए नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, नॉट इक्वल टू डी। कि आपका जो भी मोलिक्यूल है, उस मोलिक्यूल के अंदर आपके चार के चार ग्रुप क्या होने चाहिए? डिफरेंट। क्या होने चाहिए आपके? डिफरेंट। या दूसरा क्या बोल सकते हैं? लेक ऑफ सिमेट्री। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आपका लेक ऑफ सिमेट्री, आपके मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। क्या बोल सकते हो? अब्सेंस ऑफ सिमेट्री, अब्सेंस ऑफ सिमेट्री। अब सिमेट्री का मतलब क्या है कि आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकती है, कि आपके मॉलिक्यूल के अंदर ये सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है कि आपके मॉलिक्यूल के अंदर से कोई आपका प्लेन पास कर देंगे, जिससे दो अपोजिट आपकी दो पार्ट में कट जाएगा और दोनों के दोनों क्या उससे एक दूसरे से अलग अलग हो। प्लेन ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है कि आपके सेंटर से लेके अब जब हम अपोजिट साइड में मूवमेंट शो करते हैं तो क्या आपके दोनों एटम क्या मिल जाए? सेम मिल जाए। तो हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर से बोथ साइड क्या हो, एटम एक जैसे हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। सिंपल एग्जांपल है, जैसे आपका जैसे कोई कंपाउंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बन ओ एच एच और ये आपका वैज और डैश में रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका डैश और ये आपका वैज, ये आपका डैश और ये आपका वैज, बी आर और ये आपका कोई क्लोरीन। तो आपके मॉलिक्यूल है, ये सिंपल आपका कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें आपके सारे के सारे कार्बन के साथ OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, कार्बन के साथ हाइड्रोजन ग्रुप, कार्बन के साथ ब्रोमीन, कार्बन के साथ क्लोरीन। तो आपका मॉलिक्यूल के अंदर आपके जो डिफरेंट ग्रुप है, सारे के सारे ग्रुप क्या है? एक अपोजिट, क्या है? एक दूसरे से अलग है। क्या एक दूसरे से अलग है? या सिंपल क्या बोलेंगे, जब इसकी आप मिरर इमेज निकालेंगे, क्या निकालेंगे? इसकी मिरर इमेज, तो क्या मिलेगी आपको? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। कि आपकी जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, आपकी मिरर इमेज कैसी होनी चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजिबल। नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब क्या हुआ कि आपके मॉलिक्यूल के सामने जब मिरर रखा जाता है तो मिरर के बाद उसकी जो इमेज आती है और जो आपकी पहले ऑब्जेक्ट की इमेज होती है वो कैसे होनी चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजिबल। कैसे होनी चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजिबल। सिंपल, जैसे आपका हैंड होता है, आपका हैंड की एक हैंड हो गया और हैंड की जो इमेज आई वो दोनों एक दूसरे की क्या होती है? नॉन सुपर इम्पोजिबल। कैसे होती है? नॉन सुपर इम्पोजिबल। जैसे आपका पाँव हो गया, आपका पाँव और पाँव की जो मिरर इमेज होती है वो दोनों की एक दूसरे की क्या होती है? नॉन सुपर इम्पोजिबल। नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब क्या हुआ कि आपकी दोनों इमेज एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल कंप्लीटली क्या नहीं होती, एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होती, बिल्कुल एक साथ नहीं अटैच होती। तो सिंपल आपका क्या है कि आपका एसमेट्रिक कार्बन का मतलब क्या होता है कि आपका जो कार्बन है, कार्बन जिन भी ग्रुप से ए बी सी और डी से जुड़ा है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? डिफरेंट। या लेक ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। क्या होनी? लेक ऑफ सिमेट्री। सेकेंड एग्जाम्पल ऐसे आप लेते हैं कि आपका ये क्या है? एसमेट्रिक कार्बन है। सिंपल, ये आपका कोई ब्रोमीन अटैच है, यहाँ पे कोई आपका क्लोरीन अटैच। तो आपके देखो इस मॉलिक्यूल के, इस कार्बन के साथ यहाँ पे क्या आपका सी एच थ्री ग्रुप, क्या आपका सी एच थ्री। यहाँ पे अगर इसको मैं अच्छे से लिखना चाहूँ तो क्या है सी टू एच फाइव, क्या आपका सी टू एच फाइव। तो कार्बन के साथ डायरेक्टली ब्रोमीन अटैच है, कार्बन के साथ डायरेक्टली क्लोरीन अटैच है, यहाँ पे सी एच थ्री अटैच है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप, ये क्या आपका इथाइल ग्रुप, और ये आपका क्या है? मिथाइल ग्रुप, ये क्या आपका मिथाइल ग्रुप। सारे के सारे आपके क्या है? आपके सारे के सारे ग्रुप हैं जो डिफरेंट है, क्या आपके ये डिफरेंट, इसलिए आपका ये कार्बन कैसा है? कायरल कार्बन। तो इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन या एसमेट्रिक कार्बन। क्या बोलेंगे इसको हम? एसमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन। जब भी इसमें से कोई प्लेन पास करेंगे तो प्लेन भी पास नहीं होगा, ना इसमें से कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगी। तो सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे आपका कोई मॉलिक्यूल है, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं,
OH ये आपका हो गया BR। तो ये आपका मॉलिक्यूल कैसा है, तो हमने यहां देखा कि इस कार्बन के साथ यहाँ पे ये कार्बन और कार्बन तो इथाइल ग्रुप, कैसा ग्रुप है इथाइल, यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे कौन सा है प्रोपाइल ग्रुप, ये कौन सा आपका प्रोपाइल ग्रुप है और ये आपका इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे OH हाइड्रोक्सी ग्रुप और यहाँ पे आपका ब्रोमीन BR ग्रुप है। तो आपके ये सारे के सारे एग्जाम्पल कैसे हैं आपके, ये सारे के सारे एसमेट्रिक कार्बन के एग्जाम्पल है। आपका कोई भी कंपाउंड एसमेट्रिक कार्बन या स्टीरियोसेंट्रिक क्या होता है, जिसमें लैक ऑफ सिमेट्री हो या अब्सेंस ऑफ सिमेट्री, अब्सेंस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है उसके अंदर, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है उसके अंदर, या दूसरा आपका मॉलिक्यूल की जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, कैसे नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, या तीसरा क्या बोलेंगे कि जो कार्बन आपका है सेंटर कार्बन, कार्बन के साथ जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच है वो सारे के सारे क्या आपके डिफरेंट, द सेंटर कार्बन अटैच टू एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑल आर डिफरेंट, आपके कार्बन के साथ जो ये जितने भी ग्रुप जुड़े हुए हैं ए बी सी डी, एटम और ग्रुप ऑफ एटम आपके क्या होने चाहिए अलग, क्या होने चाहिए अलग, उसे हम क्या बोलते हैं कायरल सेंटर, क्या बोलते हैं कायरल सेंटर या एसमेट्रिक कार्बन या स्टीरियो सेंटर, क्या बोलते हैं उसको हम स्टीरियो सेंटर।